इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैंने बहुत दिनों से कुछ मेकअप के साथ कुछ अलग वीडियो नहीं बनाया जहाँ पर मैं आपके साथ बात करते हुए मेकअप करूँ। बहुत दिनों से मैं इस चीज़ को मिस कर रही थी। तो जिस चीज़ को आप मिस करते हैं ना, उसे कर देना चाहिए, फिर आपको और अच्छा लगता है, राइट। सो मैंने सोचा कि बस आज दिन आ चुका है और आज मुझे करना है तो करना है। सो नहा धोकर मैं जब सुबह के टाइम पर तैयार होती हूँ, बेसिकली अपने शूट के लिए, जो भी यूट्यूब वीडियोज़ मैं बनाती हूँ उन वीडियोज़ के लिए जब मैं तैयार होती हूँ, तो मैं किस तरह से तैयार होती हूँ, लाइक मैं थोड़ा सा टाइम लेकर, रिमोट गिरने वाला था, टाइम लेकर अच्छे से तैयार होती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे अच्छा दिखना होता है और आप सभी को मुझे देखना होता है, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है मेरी। तो जो भी है रियल में आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने शूट्स के लिए तैयार होती हूँ, क्या चीज़ें मैं करती हूँ और किस तरह से फिर मैं और अच्छी दिख पाती हूँ। और हो सकता है कि आज जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँ ये आपके भी काम में आए, इसीलिए चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एसी ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि भले ही यहाँ पर मौसम अच्छा हो गया है बट थोड़ा सा जो ह्यूमिड वाला नेचर है मुंबई का वो अभी भी है। थोड़ा बहुत अगर बारिश रुक जाती है तो मौसम में थोड़ा सा मतलब ऐसा ह्यूमिड ह्यूमिड टाइप्स फील होने लगता है। सो एसी ऑन करने से क्या होता है कि एटलीस्ट मेरा जो मेकअप है बहुत अच्छे से लग जाता है, पसीना बिल्कुल नहीं आता लगाते समय, क्योंकि पसीना न आने के लिए हम लोग तो कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, बट जब ऑलरेडी आ रहा है उसे कैसे रोके, राइट। उसके लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। एंड उसके बाद मेरा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है परफ्यूम। मुझे परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है, सो बस मैं थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेती हूँ एंड उसके बाद ही मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। सो बेस मेकअप लगाने से पहले मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहे और ग्लोइंग दिखे और ड्यूवी दिखे मेकअप में, क्योंकि मेरी स्किन का जो नेचर है वो है ड्राई वाला, तो ड्राई वाली स्किन को मॉइस्चराइज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ये मिनरल वाटर यूज़ करती हूँ, इसे थोड़ा सा अपने फेस पर स्प्रे कर देती हूँ बहुत अच्छे से एंड बस थोड़ा सा इस तरह से पैट कर लेती हूँ, जिससे ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और थोड़ी देर तक बस मैं अपनी जो भी चीज़ें हैं आज मुझे लगानी है उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ कि आज मुझे कौन सा लिप शेड लगाना है, कौन सा आई शेडो लगाना है। और तब तक मैं क्या करती हूँ कि इसको सूखने देती हूँ, तो तब तक ये सूख ही जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 सेकेंड इनफ है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये एवर यूथ का SPF 50 सन ब्लॉक लोशन। ये बहुत अच्छा काम करता है ड्राई स्किन के लिए और इसके अंदर है SPF 50, जो कि अच्छी बात है। और मैं वैसे भी बाहर जाती हूँ, घर में भी काफ़ी देर तक लैपटॉप पर रहती हूँ, सो बस इजीली इसे मैं लगा लूँगी। जब मुझे पूरी तरह से लगने लगता है कि मेरी स्किन अभी तैयार है मेकअप लगाने के लिए, तभी मैं मेकअप लगाती हूँ। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैंने लिप बाम यूज़ किया है, ये त्वक का सिनेमॉन लिप प्लमर लिप बाम है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लिप बाम है। कुछ दिनों से मैंने इसे ट्राई करना चालू किया है, मुझे अच्छा लगता है एंड मेरी जो लिप्स है ना काफ़ी क्यूट से सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं, सो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन और यहाँ पर मैं ये नेल्फ यूएसए का SPF 15 वाला HD वाला फाउंडेशन लगाऊंगी, जो कि मुझे फैब बैग में मिला था। और यहाँ पर मेरे पास है सिग्मा का 3D HD का बुकी ब्रश, जो कि बहुत नाइसली आपके मेकअप को आपके फेस पर स्प्रेड करता है। सो इस तरह से मैं लगाती हूँ। कभी कभी मैं लैक्मे का CC क्रीम भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे CC क्रीम लगाना अच्छा लगता है, उसका जो कवरेज है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। सो आज तो मैं इसको लगा रही हूँ। और ये जो फाउंडेशन है ना, कैमरा पर भी बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं इसे बाहर लगा कर जाती हूँ तो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना नेचुरल लगता है, जैसे लगता है कि मेरी स्किन है, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि मैंने कुछ ऐसा लगाया है। तो इसे जब भी मैं लगाती हूँ ना तो काफ़ी अच्छा दिखता है। और द मेन थिंग ये ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है,
और ये ब्रश गाइस ऑसम है, मेकअप को इतना अच्छे से लगाता है, इतना अच्छे से लगाता है कि मज़ा आ जाता है। सो यहाँ पर मेरा जो फाउंडेशन है नाइसली मेरे फेस पर लग चुका है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस समय जितना भी मैं ये शूट कर रही हूँ, ये एकदम मतलब जो भी मेरे घर में ट्यूब लाइट्स है, एलईडी लाइट्स है, उनके सामने हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ, मेरे घर से जितनी भी वीडियो मैं शूट करती हूँ, सारे ही वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्यूब लाइट्स और जो भी एलईडी लाइट्स होता है उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। मैं कभी भी सॉफ्ट बॉक्स या रिंग लाइट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और अभी भी जब आप मुझे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने एक एलईडी लाइट है, जो आजकल एलईडी ट्यूब लाइट्स आती है, और एक जो नॉर्मल ट्यूब लाइट है वो। तो ये दो चीज़ मेरे सामने की वॉल पर है, डार्क सेट, और पीछे यहाँ पर एक एलईडी लाइट है। सो इतना ही मेरे इस रूम में लाइट रहता है। मैं कभी भी मतलब सॉफ्ट बॉक्सेस एंड ऑल का यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे आपने बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल देखे होंगे जहाँ पर वो लोग हर एक चीज़ को इस्तेमाल करते, नहीं मैं बस इतना ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास भी सॉफ्ट बॉक्स है जो कि मेरे ऑफिस में रखा है, जिसे मैं ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा जो ऑफिस का शूटिंग रूम है ना, वो बहुत छोटा है। मतलब मैं आपको बता दूँ, इतना ही है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो वहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने एक सॉफ्ट बॉक्स रखा है, वो भी लाइटिंग पर्पज़ के लिए। तो वहाँ पर मतलब हम लोग जब ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी और ब्यूटीफुल हमेशा मराठी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसकी वीडियो शूट करते हैं ना, तब मैं उस सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ आज तक जितने भी मेरे घर से वीडियो होते ना, कभी भी मैंने लाइट्स नहीं यूज़ किए। जो भी मेरे पास है उसी को मैंने यूज़ किया। और इस समय मैं ये जो NYX का डार्क सर्कल कंसीलर है करेक्टर, ये मीडियम शेड है, इसे अपने आँखों के नीचे लगा रही हूँ विथ हेल्प ऑफ दिस ब्रश। और ये है सिग्मा का, ये सिग्मा का नहीं है, ये रियल टेक्निक का ब्रश है, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से मेकअप को लगाता है, और मेरा फेवरेट है बाय द वे। सो यहाँ पर मेरा कंसीलर भी लग चुका है, और इस तरह से मेरा जो बेस मेकअप है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और उसके बाद मैं लगाती हूँ शुगर कॉस्मेटिक का, ये जो प्रोडक्ट है ये है कॉम्पैक्ट, क्या हो गया मुझे, ये शेड है कैपेचिनो, और बस इसे मैं प्रेस करते हुए लगाती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज जो मैंने चीज़ें यूज़ की है, वो मैक्सिमम चीज़ें मुझे ब्रांड ने भेजी है फॉर अ रिव्यू पर्पज़। और मुझे मेरा जो मेकअप मिलता है वो मैक्सिमम मेकअप मुझे मेरा ब्रांड भेजता है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो स्प्रिंग वाटर यूज़ किया था वो भी ब्रांड ने मुझे भेजा था। उसके बाद जो एवर यूथ का मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया वो भी मुझे ब्रांड ने भेजा था, फाउंडेशन भी ब्रांड ने भेजा था, कंसीलर मैंने खुद ख़रीदा है, कॉम्पैक्ट भी मुझे ब्रांड ने भेजा है। सो जो भी चीज़ें मैं लगाने वाली ना, वो चीज़ें किसने भेजी और क्या नहीं भेजी, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ, जिससे आपको भी पता रहे। और ये सारी चीज़ें हमें मिलती है ना, तो हम इन्हें अच्छे से ट्राई करते हैं, क्योंकि यही हमारा एक तरह का जॉब होता है। और अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है तो हम इसे अच्छा बोलते हैं, और अगर अच्छा नहीं है तो मोस्टली हम इसे रिव्यू ही नहीं करते हैं, या फिर हम जो भी रियलिटी है उस प्रोडक्ट की वो बताते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो बेस मेकअप है वो हो चुका है, अब हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो मैं अभी फिलअप करूँगी मेरे आईब्रोज़ को विथ हेल्प ऑफ ब्राउन आई शेडो, और ब्राउन आई शेडो आप देख सकते हैं मैंने कितना ख़त्म कर दिया है। और मेरे पास ये जो ओवल मेकअप ब्रशेस है, इनकी मदद से मैं करूँगी। और मैं इधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेन मिरर है वो है, और मैं यहाँ पर देख कर इसे अच्छे से लगा लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने जो अपने आईब्रोज़ है वो अच्छे से फिलअप कर ली है। ये आई शेडो पैलेट भी मुझे लॉरियल ने भेजा था, और ये ओवल मेकअप ब्रशेज भी मुझे इन्हीं लोगों ने भेजा था। कभी कभी जब मैं ये चीज़ें शेयर करती हूँ ना, तो सबको बड़ा लगता है कि वाओ हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, कि ये सारी चीज़ें हमें फ्री में मिलती है और हमें यूज़ करने को मिलता है। सो मैं आपको बता दूँ, ये सब इतना भी आसान नहीं होता है। इन सब चीज़ों को फ्री में पाने के लिए ये सब नहीं किया है, हमने एक मेहनत की है, मैंने एक मेहनत की है, इस मुकाम पर पहुँची हूँ। और जब उस मुकाम पर पहुँच चुकी हूँ, तो ब्रांड इसीलिए हमारे पास आते हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमें एंडोर्स करवाने
के लिए। तो जब ब्रांड्स हमारे पास आते हैं ना, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाते कि भाई मैं ब्यूटी ब्लॉगर बन गई और वो लोग आ गए, नहीं ऐसे नहीं होता। जब मैंने कई सारे पोस्ट अपने वेबसाइट पर लिखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट आज मेरे वेबसाइट पर 5000 प्रोडक्ट्स के रिव्यू है, तो इतने सारे जब हो जाते हैं तब आपको ब्रांड्स कॉन्टैक्ट करने लगते, क्योंकि वो देखना चालू करते कि यस आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल तरीके से एक चीज़ों को रिव्यू कर रहे हो, काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट पर, और उसके बाद पर्टिकुलरली आप उस प्रोडक्ट को एकदम ऐसे चेक कर रहे हो, उसका पूरा हर एक चीज़ एक डिटेल चेक कर रहे हो। जब ये ब्रांड मेक श्योर कर लेता है तब वो खुद से आपके पास आता है, मतलब हम कभी किसी के पास जाते नहीं, ब्रांड हमारे पास आता है। और जब ब्रांड आपके पास आता है ना, तो वो कुछ तो देख कर आता है, कुछ उसने आपके अंदर देखा होता है, आपके चैनल में देखा होता है, आपके वेबसाइट में देखा होता है, इसलिए वो आपके पास आता है और वो चाहता है कि उनके प्रोडक्ट्स को हम रिव्यू करें। सो आपको इस मुकाम पर पहुँचने के लिए मेहनत करना पड़ता है, वही मेहनत जब मैंने किया तब जाकर ब्रांड्स आते हैं। सो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोगों को लगता है कि ये सब तो फ्री में मिल रहा है इन लोग को, नहीं, ये एक या दो दिन की मेहनत नहीं है, कई साल, मतलब 2013 में मैंने अपना ये ब्लॉगिंग का करियर चालू किया था और 2016 के जान से मैंने ऑलमोस्ट अपना यूट्यूब चालू किया था। तो ये सारी चीज़ें एक या दो दिन में नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो तब जाकर ब्रांड आपके पास आते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं ये शुगर का पैलेट यूज़ करूँगी। बेसिकली अगेन ये जो है ये एक ब्लश का पैलेट है, बट आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हूँ इस प्रोडक्ट से, तो मैं अपने क्रीज लाइन में इस जो ट्रैप ब्लेंडिंग ब्रश है सिग्मा का, उससे मैं यूज़ करूँगी। ये भी मुझे सिग्मा ने भेजा था। मैं आज जितने भी मेकअप प्रोडक्ट ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ ना, वो भी मुझे ब्रांड ने भेजा था फॉर अ रिव्यू पर्पज़। और जब ब्रांड आपको भेजता है ना, तो आप जब उन्हें यूज़ कर ले तो उसके बाद वो प्रोडक्ट आप ही का हो जाता है, आपको वापस भेजना नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर लूँ। उसके बाद हमेशा हर कोई चीज़ ब्रांड ही नहीं देता, कुछ चीज़ें आपको आपके जो लवर होते, व्यूवर्स होते, वो भी गिफ्ट करते। तो ये मेकअप रिवोल्यूशन का ये जो पैलेट है आईशैडो का, ये मुझे मेरी एक स्वीट सब्सक्राइबर ने लंदन से भेजा था, और स्पेशली जब वो लंदन से मुझे मिलने मुंबई आई थी, वो भी वन डे के लिए, वो जो मोमेंट था ना, आज भी जब मैं सोचती हूँ या याद करती हूँ ना, मेरे बॉडी पर एकदम घूस बम आ जाते गाइस। ऐसा मतलब ऑसम मोमेंट था। उस व्लॉग का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वो मोमेंट मेरे लिए सच्ची में स्पेशल था। सो अब मैं यहाँ पर शिमरी आई शेडो अपने आईलिड्स पर लगाने वाली हूँ। मैं प्रीफर करती हूँ शिमरी आई शेडो, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हो ना, तो शिमरी आई शेडो बहुत अच्छे दिखते हैं गाइस, एज़ कम्पेयर टू मैट वाले। मैट वाले पता नहीं क्यों वीडियो में इतने अच्छे उठकर नहीं आते, बहुत रेयर होता है जब वो उठकर आते, बट इस तरह से जो शिमरी आई शेडो है ना, वो बहुत ही अच्छे दिखते, बहुत उठकर आते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और आज जितने भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ ना, उनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चेक ज़रूर करिएगा इनकेस अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या आपको भी वो प्रोडक्ट ख़रीदना है तो। और मैं हमेशा बस आपकी कन्वीनियंट के लिए ये सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर कुछ सेकेंड्स ही इस प्रोडक्ट के बारे में बात करती हूँ, बट ज़रूरी नहीं कि उस सेकेंड्स में आप सभी को इस प्रोडक्ट के बारे में सब पता चल गया है। तो जब मैं लिंक नीचे मेंशन कर देती हूँ ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप प्रॉपरली उस प्रोडक्ट को और जाने पहचाने, उसकी प्राइस देखें, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं ख़रीद सकती हूँ, मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सो आप ख़रीद सकते हैं। तो ये एक तरह से मैं आपको हेल्प कर रही हूँ टू गेट योर परफेक्ट प्रोडक्ट, जिससे आपको मतलब मुझे 10 बार पूछना ना पड़े कि किरण वो क्या था, किरण वो क्या था। इसलिए मैं हर एक प्रोडक्ट को, ईच एंड चीज़, सब कुछ जो होती है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। सो एक बार फिर से मैं इस शेड को लूँगी ब्लश वाले को, और अपनी क्रीज लाइन में एक बार फिर से सब कुछ ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि जो मैंने अभी आई शेडो लगाया है उसकी जितने भी हार्श लाइंस है ना, मैं चाहती हूँ कि वो सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैं एक बार फिर से क्रीज लाइन में इस ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी।
उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ये जो आईलाइनर है ये यूज़ करूँगी। कुछ इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं, वो लोग भी मुझे मेकअप भेजते हैं फॉर अ रिव्यू पर्पस, और अगर मुझे उनके प्रोडक्ट्स पसंद आ जाते हैं तो मैं आपके साथ उनके बारे में भी डिटेल शेयर करती हूँ। तो ये स्विस ब्यूटी का जो आईलाइनर है मेरा फेवरेट है। यहाँ पर मेरा आईलाइनर लग चुका है एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको प्रॉपरली नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं इतनी सी जो स्क्रीन होती है ना कैमरा पर उसमें देखकर आईलाइनर नहीं लगा पाती। मुझे चाहिए बड़ा सा मिरर, तो मैं इसलिए यहाँ पर अपनी मुंडी घुमाकर लगा रही थी। एंड और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि जब आप ब्यूटी ब्लॉगर बनते हैं या कोई भी यूट्यूबर बनते हैं, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस आपकी फैमिली को करना पड़ता है। जैसे कि अगर उन्हें टीवी या कुछ सुनना है तो वो बहुत कम वॉइस में सुनते हैं। मतलब जैसे अगर अभी मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड को कुछ देखना है या सुनना है तो बहुत ही कम आवाज़ में सुनते, क्योंकि उन्हें पता है कि वीडियो में आवाज़ आएगी। सो ये आपकी फैमिली को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बट ये पूरे दिन नहीं चलता। ऐसे नहीं कि पूरे दिन ही आप वीडियो बना रहे हो और आपकी फैमिली पूरे दिन इस तरह से सैक्रिफाइस कर रही है, ऐसा नहीं है। बट जैसे अगर अभी मैं बैठ गई हूँ तो इस बोलते बोलते इस मेकअप ट्यूटोरियल को पता नहीं कहाँ तक लेके जाऊँगी, मुझे खुद भी नहीं पता है। सो जितना भी टाइम लगे उतना देर तो उन्हें शांति से रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब अकेले नहीं होती है, आपकी फैमिली जब आपको उतना ही सपोर्ट करती है ना तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। सो अब मैं ये येलो आई शेडो लगा रही हूँ अपने इनर आई कॉर्नर में, क्योंकि मुझे आजकल इसे लगाना काफ़ी अच्छा लगता है एंड ये वीडियोज़ में इतना खूबसूरत दिखता है कि बहुत ही मस्त दिखता है। अब मैं आपको और एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि मुझे जब अपनी आईज़ को और भी ब्यूटीफुल दिखाना होता है तब मैं इस आईलाइनर को लेती हूँ और जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है उसे निकाल लेती हूँ और एकदम हल्की सी पतली सी लाइन में एंड आई के कॉर्नर में दे देती हूँ। सो ऐसे करने से क्या होता है कि आपकी आईज़ जो है वीडियोज़ में और खूबसूरत दिखती है। उसके बाद बारी आती है आईलैशेस की। अगर आप फेक आईलैशेस लगाते हैं ना वीडियोस में, ट्रस्ट मी वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि बहुत ज़्यादा, बट उसे लगाने की जो प्रोसेस है थोड़ी सी लेंदी होती है, फिर उसे रिमूव भी करना पड़ता है और कभी कभी वो बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करवाते हैं। इसलिए मैं आईलैशेस थोड़े कम लगाती हूँ, क्योंकि भगवान की दुआओं से मेरी जो आईलैशेस है काफ़ी बड़ी बड़ी है और बड़ी काफ़ी घनी है, तो वैसे ही मुझे ज़्यादा आईलैशेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यहाँ पर देख कर मैं लगाती हूँ अपना मस्कारा। सो यहाँ पर लग गई है आई मस्कारा, मैं भूल गई थी मैं आई शेडो बोलने वाली थी। और एक चीज़ मैंने सुनी है जो कि मुझे आपको बतानी है। अक्सर क्या बोला जाता है पता है आपको, कि जो ब्यूटी ब्लॉगर्स मेकअप करते हैं ना उस मेकअप को लगा कर आप बाहर नहीं जा सकते, बट ट्रस्ट में हम लोग कितने सारे इवेंट पर जाते हैं, शादी मैरिजेस में जाते हैं इस तरह का मेकअप लगा कर। सो ये बातें इतनी भी सच नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे से अपना मेकअप लगाएंगे ना, ट्रस्ट में आप कहीं पर भी जाइए आपका मेकअप बेस्ट लगेगा। सो अब मैं लगाऊंगी अपना हाइलाइटर, और यह है मेरा रियल टेक्निक्स का हाइलाइटर फैन ब्रश, और ये भी मुझे रियल टेक्निक्स ने भेजा था। सो हाइलाइटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी स्किन जो है काफ़ी अच्छी दिखती है। सो इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ब्यूटी ब्लॉगर्स होते हैं या इंस्टाग्राम वाले होते हैं वो सबसे पहले बहुत ज़्यादा हाइलाइटर लगाते हैं, क्योंकि सच्ची में जो हाइलाइटर काम करता है ना वो कोई नहीं कर सकता है। सो जस्ट हाइलाइटर फर्स्ट लगा लो, उसके बाद मैं सेम ये जो ब्लश है इसे लगा लूँगी। यहाँ पर मैं सिग्मा का लार्ज पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये है F20, बट इससे ब्लश बहुत अच्छे से लग जाता है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लश को लगा देता है, एकदम मतलब ऐसा पैची सा नहीं दिखता।
इस तरह से और एक चीज़ होती है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग करने से आप थोड़े से पतले दिखते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं और कॉन्टोरिंग कैमरा पर बहुत अच्छा लगता है। इन रियल लाइफ कॉन्टोरिंग थोड़ा सा ब्राउनिश डार्किश यहाँ लगता है, बट कैमरा के सामने कॉन्टोर बहुत अच्छा लगता है। बट मैं बहुत रेयर कॉन्टोरिंग करती हूँ क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग करना बहुत नहीं पसंद है, सो मैं बहुत रेयर करती हूँ। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जब हम लोग तैयार हो जाते हैं तो कौन सा ऐसा लिप शेड लगाए जिससे हम लोग बहुत अच्छे दिखे, क्योंकि लिप शेड जो होता है ना मेन छक्का मारता है वीडियोस में। जी हाँ, जब आप एकदम अट्रैक्टिव लिप शेड लगाते हैं ना तो ऑब्वियसली आपको कुछ कमेंट्स तो अच्छे मिलने ही मिलने हैं। एंड इन रियल लाइफ में भी अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि अगर आप एक अच्छी लिपस्टिक लगा लो ना, कम से कम आपके जितने मेहमान हैं उसमें से थोड़े मेहमान तो आपको पूछ ही लेते कि ये कौन सा शेड है। सो अभी मैं ये लगा रही हूँ पर्पल की लिपस्टिक जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई है और ये मुझे कल ही मिली है और 8 लिपस्टिक आई है टोटल। सो इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है तो पहली बार मैं इसे लगा रही हूँ। मुझे चाहिए एक मिरर क्योंकि इतने दूर मैं देख नहीं पाऊँगी और मैंने काफ़ी ब्राइट शेड चूज़ किया है ऑरेंज। सो मैं कंफ्यूज हूँ कि इसे लगाऊँ कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा लगा कर देख लेती हूँ। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पर ये शेड जो है वो लग चुका है, काफ़ी मैट है और काफ़ी मॉइस्चराइजिंग भी है, आई कैन फील इट और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। सो ये तो न्यू शेड है, इसे और अच्छे से मैं ट्राई करूँगी कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितना मेल के साथ रहता है, कैसे जाता है, क्या कैसे रिमूव कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो कि हमारा रोज़ की ड्यूटी है। तो इस तरह से मैं अपने वीडियोस के लिए तैयार होती हूँ। ये है मेरा ओवरऑल मेकअप लुक एंड लास्ट में कभी कभी यही जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे होता है उसे हल्का सा, मैं बहुत हल्का सा, ज़्यादा से नहीं, हल्का सा स्प्रे कर लेती हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वैसे ही बहुत ग्लोइंग लग रही है और अगर मैंने इसे ज़्यादा मार लिया तो और ज़्यादा चमकेगी। सो इतनी भी नहीं चमका रही है, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सो इस तरह से मैं अपने वीडियोस के लिए तैयार होती हूँ एंड आज मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की, चाहे वो मेकअप की हो या फिर कुछ ब्रांड्स के बारे में। सो हो सकता है अगर आपको ये करियर ज्वाइन करना है जहाँ पर आप भी ब्यूटी ब्लॉगर या वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो बस मैं आपको इतना बोलूँगी कि जो भी आप करेंगे अपने दिल से करिए और अगर आप जो भी चीज़ दिल से करते हैं, जो आपको करना पसंद है ना, आपको सक्सेस मिल ही जाता है। मेकअप करना मुझे बचपन से पसंद था और मैं बहुत छोटी थी तब से मेकअप में मैं बहुत इंटरेस्ट लेती थी। हालाँकि मैंने कोई ऐसा कोर्स वगैरह नहीं किया है ब्यूटी ब्लॉगर का या कोई वर्डप्रेस का या मतलब वेबसाइट बनाने का या फिर वीडियो एडिटिंग का, कोई भी मैंने कोर्स नहीं किया। जो भी चीज़ें मैंने अपने आप से सीखी है और थोड़ी बहुत राज की मदद से सीखी है। मेकअप करने का शौक था इसलिए मेकअप की भी जो भी टेक्निक्स है वो सर्च कर करके सीखी हूँ। सो जब आप किसी चीज़ को एकदम दिल से चाहते हैं ना, धीरे धीरे जब आप मेहनत करने लगते हैं उस चीज़ पर, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। सो आज का जो भी मेरा ये वीडियो था, बस आपको थोड़ी बहुत हेल्प करना था कि अगर आप भी इस करियर में आना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपने आप को आगे ला सकते हो, किस तरह से आप कर सकते हो, यही बताना था। एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आज मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, बस अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस लाइक कर दीजिए। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा है बट आई एम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो चलिए फिर मिलती हूँ आपके और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।